नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज बात सबसे पहले उन तस्वीरों के साथ करेंगे जिसमें भक्ति का रंग भी है और माता का जयकारा भी है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मुंडा का आराधना का दिन होता है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा संसार को कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती है। मां कूष्मांडा को ज्ञान विद्या बुद्धि की देवी माना जाता है। कहते हैं मां कूष्मांडा की सच्चे दिल से पूजा आराधना की जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कूष्मांडा, जिन्हें ब्रह्मांड की रचनाकार कहा गया है, मां कूष्मांडा जिनका निवास सूर्य को माना गया है, जिनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाओं में उजाला है, आदि शक्ति आदि स्वरूपा मां कूष्मांडा, जो दुष्टों का संहार करने वाली हैं, अपने भक्तों के संकटों को हरने वाली है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी के स्वरूप की उपासना से कुंडली के बुध से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। नवरात्र के चौथे दिन होगी दुर्गा के चौथे स्वरूप की उपासना, यानी मां कूष्मांडा की सभी करेंगे आराधना। इनकी उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। ये संसार है, कूष्मांड की तरफ है। जिस तरह से संसार का आकृति बना हुआ है, ये धरातल का जो आकृति है ये कूष्मांड की तरह है। और कूष्मांडा भगवती ये तीन प्रकार के ताप से युक्त ये है। ये शास्त्रीय विधान है, शास्त्रगत कथा है कि भगवती कुत्सित उष्मा कुष्मा जो त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके अंदर में विराजमान हो, तो वो तीन प्रकार का ताप जो है क्या, दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन ताप है। भगवती माँ का जो ये विग्रह का पूजन करेंगे उन्हें तीन प्रकार का ताप कभी उसे बाध्य नहीं करेगा। तो आखिर माँ कूष्मांडा की महिमा इतनी खास क्यों है, चलिए उसे भी जानते हैं। मां कूष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए मां कूष्मांडा की आठ भुजाएं हैं। इनके सात हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली माला है। देवी के हाथों में जो अमृत कलश है वो अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वर देती हैं। माँ सिंह की सवारी करती हैं, जो धर्म का प्रतीक है। कथा है कि अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। ज्योतिष में माँ कूष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता कूष्मांडा का ये स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर कार्तिकेय के जन्म के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली है। मान्यता है कि संतान की इच्छा रखने वाले भक्तों को मां की उपासना करनी चाहिए। अब हम आपको देवी कूष्मांडा की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताते हैं। हरे या संतरी रंग के कपड़े पहनकर मां कूष्मांडा का पूजन करें। पूजन के दौरान मां को हरी इलायची, सौंफ या कुमड़ा अर्पित करें। मां कूष्मांडा को उतनी हरी इलायची अर्पित करें जितना कि आपकी उम्र है। हरी इलायची अर्पित करने के साथ ओम बुम बुधाय नमः कहें। सारी इलायची को एकत्र करके हरे कपड़े में बांध कर रखें। इलायची को शारदीय नवरात्र तक अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद उनके मुख्य मंत्र ओम कूष्मांडा देवये नमः का 108 बार जप करें। चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं।
आइए अब हम आपको देवी कुष्मांडा के प्रिय भोग के बारे में बताते हैं। मान्यता है कि ये भोग अर्पित करने से माँ कुष्मांडा बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं, इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। माँ कुष्मांडा की आराधना न सिर्फ आपके संकटों का निवारण कर सकती है बल्कि आपकी धन धान्य की समस्या भी हल कर सकती है। माँ कुष्मांडा न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं को भी धन संकट से उभारा है। कहते हैं एक बार कुलालब नामक दैत्य ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया और वहाँ से सारा धन कोष लूट कर पाताल ले गया। तब देवराज इंद्र को चिंता में डूबा हुआ देख कर देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में देवी शक्ति का पर्व शुरू होने वाला है, आप देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने में जुट जाइए। तब देवराज इंद्र ने देव गुरु बृहस्पति के कहने पर देवी कुष्मांडा की आराधना की और धन धान्य की मुश्किलों से निजात पाई। इसीलिए देवी कुष्मांडा के मंदिरों में स्वयं देवराज इंद्र द्वारपाल बनकर स्थापित किए जाते हैं। कहते हैं जिसने भी माँ दुर्गा के चौथे रूप की विधि विधान से आराधना कर ली उसके सभी प्रकार के कष्ट रोग शोक का अंत होता है और आयु और यश की प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए वो उपाय जिससे आपको भी मिल जाए अखंड धन पाने का वरदान। और नवरात्र के चौथे दिन पर जहां हर तरफ मां की स्तुति हो रही है, मां का जयकारा लग रहा है, तो आपके स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवरात्रि के मौके पर एक झंडावाला मंदिर से और एक छतरपुर मंदिर से, जहां मां के भजन हो रहे हैं, मां की स्तुति हो रही है। नवरात्र के चौथे दिन पर आज मां कुष्मांडा की स्तुति की जा रही है। झंडे वाला मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से फूलों से सजाया गया है, मां का श्रृंगार जो है वो बेहद खूबसूरत है। तो वहीं छतरपुर में जो मां की फूलों की माला है, देखिए कितनी खूबसूरत है, पीले सफेद हरे फूलों से जो है मां को सजाया गया है। तो मां की ये दो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, हमारे दो संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, नीतू हमसे दिल्ली से जुड़ रही हैं और पारस दामा जो हैं वो हमसे मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो पहले रुक कर लेते हैं नीतू का। नीतू इस वक्त जो है आप दिल्ली में हैं और आप मंदिर में खड़ी हैं। आज नवरात्र का चौथा दिन है जहां माँ कुष्मांडा की जो है वो पूजा हो रही है, तो क्या है नजारा? देखिए अगर चौथे दिन की रौनक की मैं बात करूं तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहते हैं माँ ने अपनी मधुर मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी और अब मेरे पीछे पहले हमारे दर्शकों के लिए ये माँ का जो दर्शन है वो करना बेहद जरूरी है। देखिए कहते हैं माँ कुष्मांडा आठ भुजाएं हैं उनकी और यहाँ पे जो माँ की प्रतिमा है जिस रूप में माँ विराजमान है वो भी आठ भुजाएं हैं। इसमें माँ की माँ के हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं जिससे वो शत्रुओं से भी लड़ सके अपने और जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा भी कर सके। अगर मैं इस मंदिर की खास बात करूं तो देखिए यहाँ जो माँ की सजावट है वो काफी खास होती है, माँ का जो श्रृंगार है वो काफी खास है। कुल ढाई घंटे लगते हैं रोज माँ के श्रृंगार में और आप ये जितने पुष्प देख रही हैं ये सब साउथ से एयर लिफ्ट करके लाए जाते हैं, यानी माँ का श्रृंगार दक्षिण भारत के फूलों से होता है। और माँ का श्रृंगार बेहद खास है क्योंकि जितने भी कपड़े माँ पहनती हैं, उनके जो आभूषण है और जितना भी पुष्प आप देख रही हैं माँ की सजावट वो कभी दोहराए नहीं जाते, ये अपने आप में माँ के श्रृंगार को बेहद खास बनाता है। वहीं भक्तों की मैं बात करूं तो भक्त भी भक्ति में लीन नजर आए हैं। चौथे दिन की आज पूजा है, माँ कुष्मांडा को हरा रंग बेहद पसंद है तो हमने मंदिर में भी देखा, आप देखेंगे कि भक्त आपको हरे रंग में नजर आएंगे। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि पुजारी जी से भी एक बार हमारी बात हो पाए और हम समझ पाए कि माँ कुष्मांडा की पूजा में क्या कुछ खास होना चाहिए और किस तरह से माँ की पूजा अर्चना करें जिससे जो हमारे वो तमाम भक्त हैं वो भी समझ पाएं कि कैसे आप माँ को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे भी माँ ममता का सागर है। पुजारी जी जुड़ गए हमारे साथ। पुजारी जी किस तरह से आज चौथे दिन नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ खास करके आप माता को प्रसन्न कर सकते? बासंतिक चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, चौथा दिन हम माँ कुष्मांडा देवी के नाम से माँ की पूजन अर्चन करता हूँ।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रसिद्धति, जो भक्ति भाव से माँ को चढ़ाया जाता है उसमें माँ प्रसन्न होती है और भक्तों को अभय प्रदान करती है। खासकर चौथा दिन है, कुष्मांडा देवी बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, अपने भक्तों को जैसे माँ गर्भ में अपने बच्चे की रक्षा करती है उसी हिसाब से हम भक्तों की माँ रक्षा करती है, इसीलिए कुष्मांडा देवी के पूजन बहुत ही अच्छा है माना जाता है। पीछे आप म्यूजिक भी देखिए, हमारे दर्शकों के लिए देखना जरूरी है। इस मंदिर की जो स्थापना की थी वो दक्षिण भारत से थे, तो यहाँ पर माता के लिए रोज जो म्यूजिक बजाया जाता है वो चेन्नई का म्यूजिक होता है, जिसमें ढोल नगाड़ों से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। और साथ ही पंडित जी ने भी हमें बताया कि किस तरह से आप माता को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और देखिए, हरे रंग की मैंने बात कही थी, माता जी खड़ी है हरे रंग के सूट में, आप माता की पूजा करने आई हैं यहाँ पर, किस तरह से माता को प्रसन्न कर रही है? हम सेवा करके प्रसन्न कर रहे हैं माता को, जितनी सेवा आएगी उतनी सेवा करेंगे माता की, इनके चरणों में सब कुछ है, इनके बिना क्या है, जितनी सेवा होगी इतनी करेंगे रात या दिन, माता बोलेगी मैं रात को भी सेवा दें रात को भी सेवा देंगे। देखिए, आपको ना सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चे बुजुर्ग हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ नजर आएंगे। क्या नाम है? अमित। माता के मंदिर में कब से सेवा कर रहे हैं? अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा है मैंने। कैसा लगता है? बाकी आपके जो दोस्त हैं उन लोगों को इस बारे में? अच्छा, देखिए यहाँ पीछे मेरे एक बार देखिए कि किस तरह जी तो आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं मुंबई का भी, जहाँ से पारस दामाम से जुड़ रहे हैं। पारस, कुष्मांडा देवी जो है उनको ज्ञान विद्या बुद्धि की देवी माना जाता है, और ये मान्यता है कि कुष्मांडा माँ से आप सच्चे दिल से अगर जो भी मांगे तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। गीतिका, आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि बुद्धि और सिद्धि की देवी माना जाता है माँ कुष्मांडा देवी को, और उनसे सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो उनके भक्तों को बड़े ही शिद्दत से देती हैं, ऐसे में मुंबा देवी मंदिर जो कि मुंबई और महाराष्ट्र का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां पर लोग दूर दूर से पहुंचते हैं माता मुंबा देवी और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए, चौथे दिन भी लोगों का तांता जो है वो लगातार यहां पर लगा हुआ है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो कतारों में खड़े हैं और माँ मुंबा देवी और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए जो है वो रुके हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रसाद है वो भी लोगों को दिया जा रहा है, लगातार जो है वो कतारें बढ़ती जा रही हैं। आज चौथा दिन है, वहीं माँ कुष्मांडा देवी का जो रंग होता है वो ग्रीन कलर होता है, जो उनको बेहद ही ज्यादा प्रिय है, तो अगर आप मंदिर में देखें तो मंदिर में भी अधिकतर जो है वो ग्रीन कलर के फूल लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ का श्रृंगार है वो हर रोज आता है, अलग अलग तरीके के जो फूल है वो लगाए जाते हैं। वहीं अगर आप माँ मुंबा देवी की प्रतिमा को देखें तो सजाया जाता है, हर रोज इन फूलों को जो है वो चेंज किया जाता है, अलग अलग तरीके से जो है उनके आभूषण भी चेंज किए जाते हैं। वहीं आज चौथा दिन है चैत्र नवरात्र का और लोगों की भीड़ जो है वो आप लगातार देख रहे हैं। गीतिका जी, पारस आप भी बने रहिए हमारे साथ, और एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां हमारी सहयोगी नीतू जो है वो हमें बेहद ही खूबसूरत नजारे दिखा रही है, मंदिर की खूबसूरती दिखा रही है। नीतू जी, आज भक्तों की कितनी भीड़ है जो है कल के मुकाबले आज ज्यादा है, कितने बजे आरती होने वाली है और आगे के जो है वो प्लान्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी मंदिर में। ये मंदिर नवरात्रों के दौरान 24 घंटे खुलता है। सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं होता, यानी मंदिर के कपाट रोज खुलते हैं। 3 बजे से माता का श्रृंगार शुरू होता है और सुबह 5:30 बजे माँ की आरती होती है। वहीं आपका दूसरा सवाल भक्तों से जुड़ा था। देखिए, नवरात्रों के दौरान मंदिरों में भक्तों की जो तादाद होती है वो सामान्य दिनों से थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि कल हमने यहाँ पर भीड़ देखी थी और अभी सुबह का वक्त है तो भक्त धीरे धीरे मंदिर पहुँचने लगते हैं। अभी अगर आप देखें तो भक्त यहाँ आए हुए हैं, जगह जगह से भक्त यहाँ पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि भक्तों से ही एक बार बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि कहाँ से आए हैं और क्या यादें हैं माता के साथ। कहाँ से आएंगे? मैं नोएडा से आई हूँ। किस तरह से माता को आज प्रसन्न?
मैं हर साल आती हूँ। ये मेरी बेटी है और उसका बेटा है, इससे भी छोटी थी ये जब से हम यहाँ आ रहे हैं और माता रानी बुलाती है, हम दोनों नवरात्रों में आते हैं। कहते हैं माता मुरादें पूरी करती हैं, आपकी कोई ऐसी मुराद जो? माता ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। इसको घर परिवार इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा पति मिला उसको, और एक माँ क्या चाहती है। देखिए माता को मुरादें पूरी करने वाली कहा जाता है। एक और शख्स, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, न्यू अशोक नगर से। आप नवरात्रों के दौरान आते हैं या अमूमन? मैं पिछले 7-8 सालों से यहाँ नवरात्र में 2 बार पढ़ते हैं तो 2 बार आता हूँ। माता को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं, क्या मुराद मांग? कुछ नहीं, जस आता हूँ, विश करता हूँ और जो भी हमारी इच्छाएं होती है लगभग पूरी हो जाती हैं। तो मैं ये कर रखा हूँ कि जब भी मैं दिल्ली में रहूँगा, यहाँ पे रहूँगा, तो मैं एवरी मतलब एक साल में 2 बार आते हैं, तो 2 बार पढ़ते हैं नवरात्र, तो माता के चरणों में हम 2 बार आ जाते हैं। देखिए मुराद से मैं आपको एक किस्सा भी बताती हूँ। इस मंदिर के प्रांगण में जब आप घुसते हैं तो वहाँ पर एक पेड़ है, कहते हैं उस पेड़ में अगर आप माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं या कोई चुनरी बांधते हैं, चूड़ी अर्पित करते हैं वहाँ, तो आपकी जो मुराद होती है वो पूरी होती है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने दर्शकों को वो पेड़ भी दिखा पाऊँ, लेकिन अभी हम मंदिर के प्रांगण में हैं और वो बाहर है, लेकिन वहाँ पर आपको काफी चुन्नियाँ नजर आएंगी, लोग वहाँ पे आपको अपनी मुरादें जो हैं वो माता के सामने पेश करते नजर आएंगे। वहीं अगर इस मंदिर की बात की जाए तो यहाँ माता के मंदिर के अलावा 20 और भी मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, और जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था संत नागपाल, उनका भी एक कक्ष बना हुआ है और ये मंदिर काफी बड़ा है। कहा जाता है ये दिल्ली के तमाम उन मंदिरों में शुमार है जो काफी बड़े हैं, और ये एक सिद्ध पीठ है जहाँ कहते हैं कि माता को अगर मनाया जाए या उन्हें प्रसन्न किया जाए तो वो हर मुराद पूरी करती है। एक और भक्त, देखिए आज हरे रंग में आपको काफी भक्त नजर आएंगे, कहाँ से आएंगे? हम इधर से आए हैं, नांदेड़िया मोड़ से। हाँ। क्या मुराद मांगी है माता? आज माँ से इतनी अच्छी मुराद मांगी है कि सबकी मनोकामनाएं पहले तो पूरी हो जो यहाँ पे आए हैं, सबका माँ आशीर्वाद दे अपना, और मेरी भी यही है कि घर में सुख शांति हो, सबको सही रास्ता दिखाए, यही। हाँ जी, देखिए आज माता को प्रसन्न करने के लिए, कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए माता का चौथा स्वरूप है हरा रंग पहना जाता है। आपने देखा होगा जो भक्त आए हैं यहाँ पर वो भी आपको ज्यादा हरे रंग में ही नजर आएंगे। आज नवरात्र के चौथे दिन जहां महा कुष्मांडा की भक्ति में चारों तरफ जो हैं वो भक्त लीन हैं, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नवरात्रि के इस पावन अवसर पर झंडेवाला मंदिर से और छत्तरपुर मंदिर से। जिसमें भक्ति का रंग भी है और माता के जयकारे भी हैं, चारों तरफ जो हैं वो माता के जयकारों से जो है वो गूंज रही हैं। नवरात्र के चौथे दिन आज माँ कुष्मांडा की आराधना का दिन है, और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी नीतू हमसे बनी हुई हैं, तो वहीं मुंबई से हमारे सहयोगी पारस दामा जो हैं वो हमसे बने हुए हैं। तो पहले रुक कर लेते हैं नीतू का। नीतू, क्या नजारा है इस वक्त का, भक्तों की भीड़ कितनी है? क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो बाकी दिनों से आज शायद भीड़ कुछ ज्यादा होगी। बिल्कुल, देखिए कल जब हम सुबह यहाँ 9 बजे पहुंचे थे तो भक्त कम थे क्योंकि कल वर्किंग डे था, लेकिन आज शनिवार है जैसा आपने कहा, तो भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। वैसे हमने अपने दर्शकों को दिल्ली में कालका मंदिर के भी दर्शन करवाए, झंडेवालान के भी करवाए थे, और अब हम उन्हें आद्या कात्यायनी के करवा रहे हैं। और अगर आप भक्तों की बात करें तो देखिए जो श्रद्धालु होते हैं वो कोई भी दिन निकाल कर माता के दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं, और क्योंकि आज शनिवार है और जैसे कल रविवार होगा तो दोनों दिन भीड़ जो है वो आम दिनों से थोड़ी ज्यादा होगी। आप मंदिरों की बात करें, जैसे आज हम आद्या कात्यायनी मंदिर में हैं तो यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं। जब हमने भक्तों से बात की तो कुछ भक्त ना सिर्फ दिल्ली बल्कि बाकी देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वैसे तो माँ अपने भक्तों पर साल के 365 दिन ही अपनी कृपा बरसाती हैं, लेकिन कहते हैं नवरात्रों में माँ के द्वार खुल जाते हैं, इसलिए यहाँ भक्त बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। और वैसे नवरात्रों को रात्रि पूजा के लिए भी विशेष माना जाता है, तो फिलहाल मंदिर में भी 24 घंटे माँ की पूजा होती है। 24 घंटे जो माँ के कपाट हैं वो इसी तरह खुले रहते हैं जैसा अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं।
24 घंटे में आप कभी भी आइए, माँ के दर्शन करिए, माँ की पूजा करिए। खास बात यह है कि माँ के जो दिव्य दर्शन अभी हमारे दर्शक कर पा रहे हैं टीवी स्क्रीन से, वो आम दिनों में नहीं हो पाते, क्योंकि आम दिनों में यहाँ पर आप माँ को इतने करीब से नहीं देख सकते। लेकिन क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और साल के दोनों नवरात्रे, चैत्र नवरात्रों में भी और जो दूसरे नवरात्रे होते हैं उसमें भी माँ के जो ये कपाट है सबसे नजदीक वाले, ये भी खोले जाते हैं, जिससे जो भक्त हैं वो बेहद करीब से माँ को देख पाए और माँ को नमन कर पाए। और आप अगर अभी मंदिर की बात करें तो मंदिर में भक्तों का आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। भक्त यहाँ आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि स्कूलों की भी ज्यादातर शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है, तो इसलिए आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं हमारे साथ। और रुक करते हैं मुंबई का, जहां से पारस हमसे जुड़ रहे हैं। पारस, कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा जो है वो चारों तरफ जब अंधियारा था तब माँ ने एक मुस्कान से ब्रह्मांड का जो है वो निर्माण किया था। तो माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए भक्त ऐसा क्या कर रहे हैं? माँ को कुम्हाड़ा बहुत पसंद है, तो वहां जो भक्त आए हैं वो माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? पारस, बड़ा ही सुंदर नजारा है, आरती हो रही है, चारों तरफ जो है वो माँ के जयकारों की जो है वो आवाज सुनाई दे रही है। तो अब रुक कर लेते हैं नीतू का। नीतू, पारस ने तो हमें दिखाया कि मुंबा देवी में कितनी सुंदर आरती हो रही है और चारों तरफ जो है वो माँ के जयकारे लगाए जा रहे हैं, भजन हो रहे हैं, तो क्या वहां भी मंदिर में भी आरती का समय हो गया है? क्या आरती होने वाली है? देखिए, यहाँ सुबह एक बार 5:30 बजे आरती होती है और फिर करीब 12 बजे तक दोबारा आरती होती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई के मुंबा देवी में माता की आरती की जा रही है, यहाँ पर 24 घंटे भजन चलते हैं। शायद आपको आवाज पीछे से आ रही हो तो मैं आपको बताऊं, यहाँ कीर्तन जो संकीर्तन है माँ के नाम का, वो 24 घंटे चलता रहता है। ठीक सुबह शुरू होता है और फिर अगले सुबह जाकर वो खत्म होता है। और जो मंडली है वो देश के अलग अलग कोनों से आती है। भक्तगण, चलिए अब हमें मिल गए हैं बात करने के लिए। कहाँ से आए? गुड़गांव। माँ से क्या आशीर्वाद? बस कृपा बनाए रखिए अपनी। देखिए, कहते हैं माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। हमारे भक्तों के चेहरे पर भी, हमारे दर्शकों के चेहरे पर भी ठीक इसी तरह की मुस्कान है। कहाँ से आई? हम रोहिणी से, दिल्ली से आए हैं। और मुझे अपने बच्चे, अपने बहू के लिए बेटा या बेटी, मेरी माँ से ये मुराद है। अच्छा, कहते हैं माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के कई तरीके हैं, आपने आज माँ को कैसे? बस माँ को तो हम क्या प्रसन्न करेंगे, माँ तो खुद हमें ही देती है, माँ भंडारा भरती है हम सबका। हम कई सालों से आते आ रहे हैं, बस माँ के उम्मीद से लेके आते हैं, माँ सारी मुरादें पूरी करती है। बस अब मुझे अपनी बहू के लिए कोई बच्चा। माँ के साथ कोई खास याद नवरात्रों के दौरान, कोई ऐसी कहानी जिसे जिसे महसूस कर पाते हो आप कि हाँ माँ आपके साथ? हाँ नहीं, मैं हम लगभग काफ़ी सालों से यहाँ लगातार हर नवरात्रों में आ रहे हैं और इस माता रानी की महिषासुर मर्दिनी हैं ये, और इनका बहुत बड़ा मतलब हमारे ऊपर हाथ है और हम सब काफ़ी हम
लोग हैं, सब रिलेटिव्स भी हैं, और हर छह महीने जब भी हम जो भी दिन बनाते हैं वो यहाँ जरूर दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने आते हैं, कहाँ से? मैं नोएडा एक्सटेंशन से। क्या मांगा है माँ से, कैसे माता को प्रसन्न कर रहे हैं? माँ से क्या मांगेंगे, माँ सब जानती है मन की बात कि हमें क्या चाहिए, तो माँ से स्पेशली कुछ ही मांगना होता, बस माँ का हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहे। देखिए अक्सर हम जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनसे ये सवाल करते हैं कि आपने माँ से क्या मांगा, और सबका जवाब यही होता है कि माँ से क्या मांगे, क्योंकि वो तो जगत जननी है, उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, शक्ति रूपा है, उनसे क्या मांगा जाए। कहाँ से आई हैं आप? मैं पानीपत से आई हूँ। देखिए पानीपत से भी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या माँ को कैसे प्रसन्न किया है, क्या दर्शन किए और क्या मांगा? बस माता से कुछ नहीं मांगा, उनके दर्शन ही मेरे लिए बहुत सब कुछ है, हर साल ये मुझे बुलाती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी माता के दर्शन करने अभी हमने बताया भी था कि जी नीतू, जी नीतू आप बने रहिए, और एक बार फिर हम रुक करते हैं मुंबई का, जहाँ पारस हैं। पारस, कहा जाता है माँ को हरा रंग बहुत पसंद है, माँ कुष्मांडा को अगर आपको खुश करना है तो भोग में मालपुए चढ़ाए जाएं, तो वहाँ जहाँ अन्नपूर्णा का जो है भंडारा लगा हुआ है, तो क्या आज वहाँ मालपुए बने हैं? ऐसे में जो है वो मालपुए तो नहीं बने हैं, मगर लड्डू का जो वितरण है वो यहाँ शुरू किया गया है। माँ कुष्मांडा और माँ अन्नपूर्णा के लिए जो है वो लड्डू बनाए जा रहे हैं। कुछ ही देर में जो है आरती को अपने अभिष्टनी या आरती बेहद महत्वपूर्ण होती है माँ मुंबा देवी मंदिर में, ऐसे में कुछ ही देर में जो लड्डू हैं वो यहाँ माँ अन्नपूर्णा माता को चढ़ाए जाएंगे। ऐसे में जो दूसरे प्रसाद हैं मीठे प्रसाद, वो भी लगातार जो है दिए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ ही देर पहले जो आरती के आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, लोगों को अब जो है वो आरती दी जा रही है। ऐसे में आज का दिन जो है वो भक्तों के लिए अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचते हैं और माँ कुष्मांडा देवी की जो है वो आराधना करते हैं और अपने अपनी चीजें जो है अपने मन में जो चीजें होती हैं वो मांगते हैं। आज माँ कुष्मांडा देवी के दिन के तहत उनको जो है वो ग्रीन कलर बेहद पसंद है, तो अगर हम मंदिर में देखें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रीन कलर पहन के यहाँ पहुंची हैं, और लगातार जो माँ मुंबा देवी का मंदिर है मुंबई में, वहाँ जो है लोगों की कतारें बढ़ती जा रही हैं। गीतिका जी पारस, तो बहुत ही सुंदर नजारा है, माँ को भोग लगाने के लिए कहीं लड्डू बन रहे हैं तो कहीं दिल्ली से नीतू हमें दिखा रही हैं कि काफी तादाद में जो है श्रद्धालु, जो दिल्ली से ही नहीं गुड़गांव से हरियाणा से दूर दूर से जो है वो लोग आए हुए हैं। तो नीतू कहाँ से, कितनी दूर से लोग आ जाए हैं? दिल्ली से तो लोग आए ही होंगे, काफी दूर दूर से भी लोग आए होंगे, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो मंदिर में काफी भीड़ होगी। देखिए आज अभी तक हमने जिन भक्तों से बात की वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश या हरियाणा से आए हैं, लेकिन कल कुछ भक्त हमें मिले थे जो दक्षिण भारत से भी यहाँ पहुंचे थे, और वो अपने साथ एक खास तरह का यहाँ पे माँ का श्रृंगार किया जाता है। अभी कुछ देर पहले जब हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से चेन्नई का जो म्यूजिक है उस पर माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, दरअसल ये दक्षिण भारत का संगीत माता के लिए बजाया जाता है, जब माता का खास श्रृंगार किया जाता है तो भक्त यहाँ दक्षिण भारत से भी पहुंचते हैं, और उस संगीत की धुन पर माता का खास और विशेष जो है श्रृंगार किया जाता है, और कहते हैं कि माता श्रृंगार से काफी प्रसन्न होती है, और माँ कात्यायनी का श्रृंगार बेहद खास भी होता है, इसलिए भक्तगण देश के तमाम कोनों से यहाँ आते हैं माता का श्रृंगार करवाने। आपने माता का श्रृंगार तो देख लिया, कितना खास था माता का श्रृंगार, वो श्रृंगार सोचिए जिसे करने में घंटों का समय लग जाता है, और वो श्रृंगार जिसे आज से कभी दोहराया ही नहीं गया। ये मंदिर यहाँ सालों से है, सालों पुराना इसका इतिहास है, लेकिन फिर भी आज तक माता का श्रृंगार दोहराया ही नहीं गया, रोज माता का खास श्रृंगार होता है। इसलिए फिलहाल अभी नवरात्रे हैं तो देश विदेश के कोनों से लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो माता का श्रृंगार करवाते हैं, वो उसमें अपना योगदान देते हैं, जिससे माता की जो विशेष कृपा है वो उन पे बरसे, और माता की कृपा पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हम कुछ और भक्तों से बात कर पाए, और श्रद्धालुओं से बात करें कि वो कहाँ से आए हैं, और जानने की कोशिश करें कि उन पर माता ने कैसी कृपा बरसाई है। सर कहाँ? हम लोग तो गाजियाबाद से आए हैं अभी। कैसे माता को प्रसन्न कर? बस हम नवरात्रे हैं, पूरे नवरात्रे का व्रत चलता है, और हर साल हम लोग एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं छुट्टी के दिन,
चाहे कहीं भी हो, दिल्ली है। कहते हैं माता श्रृंगार से बहुत प्रसन्न होती है, क्या आपने कुछ श्रृंगार? नहीं अभी तो नहीं अर्पित किया, खाली प्रसाद, मन की श्रद्धा है आपकी अपनी, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मन की श्रद्धा है, कहते हैं अगर आपका मन सच्चा हो तो आपको आप कुछ अर्पित करे ना करे बस आपका मन पवित्र होना चाहिए, लेकिन फिर भी माता का श्रृंगार बेहद खास होता है, इससे कहाँ से आई है माता? हाँ जी सुरतापुर से आया जी। अच्छा माता को आज कैसे प्रसन्न कर रहे हैं? हम तो हर 6 महीने बाद आते हैं यहाँ पर। क्या मांगा है आज माँ से? हम कुछ नहीं, भगवान सब कुछ देता बिना मांगे से। क्योंकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था शनिवार है तो आपको जो बच्चे हैं अपनी माताओं के साथ वो भी दिखेंगे मंदिर में, कहाँ? सुल्तानपुर से। क्या मांगा है? मैं कुछ नहीं मांगती मैंने कुछ नहीं मांगा। देखिए भक्त कुछ मांगते नहीं है, वो कहते हैं कि माँ खुद सुनती है उनकी मुरादें और उन्हें पूरा करती है। अब देखिए यहाँ कुछ लोग मंदिर में बैठ के पाठ भी करते हैं, कहते हैं माता के मंदिर में बैठकर अगर जो दुर्गा सप्तमी है उसका पाठ किया जाए तो माता काफी प्रसन्न होती है। और छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे गली में फूलों की माला पहने, कहाँ से आए हैं? द्वारका। द्वारका से आए हैं, छोटी सी बच्ची भी है आपके साथ, क्या मांगा है, क्या मन्नत थी, क्या किसी मन्नत? बस कुछ नहीं, जब माता पिता आते हैं बच्चों को लेके तो ये होता है कि बच्चे हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें जी। नहीं तो बस यही है और तो कुछ नहीं है माता से बस की। माता को क्या क्या प्रसाद के रूप में आज अर्पित? माता को ये मुरमुरे होते हैं, नारियल होता है, नारियल तो यहाँ पर शायद अलाव नहीं है तो मुरमुरे होते हैं, थोड़ा सा आपकी मिश्री होती है, बस यही है, बाकी तो हम तो प्रसाद लेने आए हैं माता से। देखिए इस मंदिर में भंडारे का भी खास जो प्रबंध है वो किया जाता है और इसके लिए मंदिर के बाहर एक कमेटी भी बनी है कि आप आइए और सामान दीजिए, आपके घर में जितना सामान है आप 1 किलो आटा दे दीजिए, चीनी नमक जो आपके पास है और उसी सामान से जो लोग हैं उनके लिए भंडारा किया जाता है और वो भंडारा चलता ही रहता है, आप दिन में कभी भी आइए। यहाँ क्या ये जो भंडारा है ये पूरे 9 दिन चलने वाला है, ये जो भंडारा है ये रोज होता है, ये पूरे 9 दिन ये भंडारा चलेगा और सुबह से लेकर रात तक क्या ये भंडारा नियंत्रित चलता रहता है? देखिए कल जब हम यहाँ पहुंचे थे तब भी वो भंडारा चल रहा था और जब हम निकले थे तब भी वो भंडारा चल रहा था, यानी बाहर जो आप नवरात्रों के दौरान कभी भी आइए तो यहाँ पर आप माता का जो प्रसाद है उसे, भंडारे को ही माँ का प्रसाद कहा जाता है, वो उनके भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, आप कभी भी माँ का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए भक्तों से अनुरोध भी किया जाता है, जैसे देखिए अगर किसी की इच्छा हो तो वो अपनी इच्छा से मंदिर में आटा नमक तेल चीनी ऐसी कोई वस्तु दान कर सकता है और जो नहीं करते उनके लिए भी ये माँ के द्वार, माँ के प्रसाद के द्वार हमेशा खुले रहते हैं और ये भंडारा नवरात्रों में होता रहता है जिससे माँ के जो भक्त यहाँ पहुंचे उन्हें उनका प्रसाद मिल सके, इसलिए भी ये बहुत खास हो जाता है क्योंकि 24 घंटे नवरात्रों में ना तो माँ के कपाट बंद होते हैं ना माँ विश्राम करती हैं, वो 24 घंटे अपने भक्तों के लिए अपने कपाट खोली रहती हैं जिससे भक्त कभी भी यहाँ पहुंचकर माँ का प्रसाद भी ग्रहण कर सके और माँ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी ले सके जी। नहीं तो बड़ा ही सुंदर ये नजारा है, माँ कात्यायनी जो हैं वो आज हरे रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और जैसा कि आपने बताया कि जो श्रृंगार है माँ का, जो फूलों से जिन फूलों से माँ को सजाया गया है वो फूल जो है वो दक्षिण भारत से आते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये लिफ्ट करके इतनी दूर से जो है फूलों की माला आती है और रोज जो है वो माँ को वो फूल अर्पित किए जाते हैं और रोज जो है वो माँ का श्रृंगार जो है वो हर दिन नया होता है, तो ये अपने आप में बहुत खास बात है। तो कल कौन सा रंग होने वाला है? आज जैसे हरा रंग है तो कल माँ किस रंग की साड़ी में दिखेंगी और कल जो है श्रृंगार में क्या खास होगा? देखिए आज आप मेरे पीछे एक बार फिर देखिए तो यहाँ पर जो मोर के पंख है उनको पीछे डेकोरेट किया गया है क्योंकि वो हरे रंग के होते हैं और आपको माता के जो पुष्प है उसमें हरा रंग जरूर नजर आएगा। और कल की मैं बात करूं तो देखिए कल माता ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी यहाँ पर और आज माता ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है जिसमें हरा रंग जरूर दिख रहा है और अब कल फिर माता
किसी ऐसे ही बेहद खूबसूरत रंग में नजर आएंगी। यहाँ पर माँ का जो श्रृंगार है वो अगले दिन ही देखने को पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर माता का श्रृंगार खास होता है। तो अब कल हमारे भक्त, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी टीवी के माध्यम से देखते हैं कि माता का स्वरूप कैसा है, वो कल फिर एक बार माता के स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि माता किस स्वरूप में उन्हें नजर आएंगी, कौन से कपड़ों में नजर आएंगी और किस तरह से जो ये विशेष पुष्प दक्षिण भारत से मंगाए जाते हैं, कल कौन से रंग के पुष्प होंगे और उन पुष्पों की क्या कहानी होगी। जी जी नीतू, जी जी आप बनी रहिए, एक बार फिर हम रुक करते हैं पारस का। पारस, नीतू ने जैसे मैं बताया कि माँ कात्यायनी जो है उनका जो श्रृंगार का सामान है, जो फूल है, वो दक्षिण भारत से आते हैं और एयरलिफ्ट करके रोज वहां से आते हैं। तो मुंबा देवी में जो सजावट है, जो माँ का श्रृंगार है, वो अपने आप में कैसे खास है? जी बिल्कुल गीतिका, मुंबई में जो मुंबा देवी का मंदिर है वहाँ पे हर रोज जो फूलों का श्रृंगार होता है वो मुंबई के अलग अलग जगहों से आता है। आप जानती हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र के ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पे फूल जो है फूलों की उगाया जाता है और वहीं से जो माँ मुंबा देवी के जो श्रृंगार के फूल होते हैं वो लाए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि फूलों को अलग अलग तरीके से जो है वो रखा जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे मंदिर का श्रृंगार किया गया है, कि खूबसूरती से जो है वो फूल लगाए गए हैं। अलग अलग तरीकों से जो है वो फूलों का श्रृंगार लगातार हर रोज किया जाता है। माँ मुंबा देवी को जो है वो फूल काफी पसंद है, तो ऐसे में फूल जो है वो अलग अलग कलर्स आप देख सकते हैं, अलग अलग रंग जो आप देख सकते हैं, पीले हैं, सफेद हैं, लाल है, गुलाबी है, वहीं कहीं कहीं जो है वो आज स्पेशली ग्रीन कलर के फूल भी लगाए गए हैं। वहीं ये सबसे महत्वपूर्ण दिन आज माना जाता है, लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और जैसे हम सबको पता है माँ मुंबा देवी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है जहाँ पर लोग जो हैं अब। जी पारस, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद माँ के इतने सुंदर, इतने दिव्य और इतने अलौकिक दर्शन करवाने के लिए। तो फिलहाल गुड न्यूज में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।